अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है फिट होंगे, खरीद से होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो विंडो के ऊपर है कि आप लोग विंडो किस तरह से करते हैं। अब विंडो मतलब कि यूएसबी के होता है ना, एक तो आपको सीडी मिलती थी, डीवीडी मिलती थी, बूटेबल, बूटेबल आपने लगा दी और डायरेक्ट विंडो जो होना स्टार्ट हो जाती थी। अब यूएसबी जो होती है, यूएसबी को आपने बूटेबल किस तरह से बनाना है। इमेज फाइल होती है जो आपने डाउनलोड करके रखनी होती है पहले, ठीक है, मैं उस पर भी इंशाल्लाह बनाऊंगा वीडियो कि वो डाउनलोड किस तरह से करनी है। आज की वीडियो बना रहा हूँ कि जी आपने वो इमेज फाइल जो है, जो विंडो वाली इमेज फाइल है, उसको आपने बूटेबल किस तरह से बनाना है। बूटेबल मीन्स कि आपने यूएसबी को विंडो वाली यूएसबी किस तरह से बनाना है कि आप कंप्यूटर पर लगाएंगे, लैपटॉप पर लगाएंगे और आपकी जो विंडो है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी और आप विंडो करने लग जाएंगे। है तो बिल्कुल आसान सा तरीकाकार, कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है, बहुत ईजीली हो जाता है और बहुत ही आसान तरीकेकार है बूटेबल बनाना विंडो को, ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। और फिर से अगर भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दो ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। और लाइक शेयर कर दिया करो यार वीडियो को, अगर थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है मेरी वीडियो से तो, ठीक है। इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से बूटेबल बनाते हैं विंडो को और फिर उसको करते कैसे हैं। चलते हैं ज़रा कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ। जी हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताता हूँ अभी कि किस तरह से आप अपने जो विंडो है बूटेबल बना सकते हैं यूएसबी में, ताकि आप उस बूटेबल यूएसबी को किसी भी अपने कंप्यूटर लैपटॉप में लगा के इजीली विंडो कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या होता है, एक तो हमारे पास सोर्स फाइल होनी चाहिए, यानी कि इमेज फाइल विंडो की, एक तो वो अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरा जो सॉफ्टवेयर इसके लिए यूज़ होता है वो है पावर आईएसओ, अक्सर लोग इसके बारे में जानते भी हैं पावर आईएसओ। मैं यूज़ करूँ पावर आईएसओ 5 वैसे, लेकिन मैं आपको यहाँ सर्च करने का क्राइटेरिया बता रहा हूँ, ठीक है, अगर सब में सेम है। ये पावर आईएसओ 5.com उसकी अपनी वेबसाइट पे भी है, सीनेट पे भी आपको मिल जाएगा, फाइल लिपो पे भी मिल जाएगा, आपको फाइल हॉर्स पे मिल जाएगा और सॉफ्टोनिक पे, सब पे मिल जाएगी। इसको आप सिंपल खोल के डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप उसको सिंपल, मेरे पास यहाँ मौजूद है, जिप फाइल में मौजूद है, ये देखें पावर आईएसओ 5 है, तो इसको ओपन करने के बाद ये मैंने ओपन कर ली पावर आईएसओ की 5 फाइल, यहाँ से इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा डबल क्लिक करके, ठीक है। इंस्टॉल जब कर लिया उसके बाद, इंस्टॉल करने के बाद ये हमारे पास है इमेज फाइल जो है विंडोज़ की, ये विंडोज़ 10 इंटरप्राइज आपके सामने है। मैंने इसको डबल क्लिक किया, इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद कंटिन्यू अनरजिस्टर्ड नो इशू, ये सारी डिटेल्स उसकी आ गई, यानी कि उसमें जो फाइल्स थी ये मौजूद है हमारे पास। अब यहाँ करना क्या, तरीक़ेकार क्या होता है, ये आपने टूल्स पर जाना है। टूल्स पर जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव। आपने यूएसबी जो है वो आपने लगाई हुई होगी अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में, उसके बाद ये क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये आपको कह रहा है इन ऑर्डर टू यूज़ दिस फंक्शन यू नीड रन पावर एस अ एडमिनिस्ट्रेटर, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ओके हमने करना है ये, ठीक है, यस यस करने के बाद हमारे पास ये इस तरह से खुल जाएगा। हम इसको करेंगे कंटिन्यू अनरजिस्टर्ड। अब ये आपसे पूछेगा कि ये तो वो डाटा ट्रैवलर आ गया 32 GB की USB आ गई, ठीक है, राइट मेथड USB HDD, और यहाँ आपको फाइल जो है सोर्स इमेज फाइल ये सिलेक्ट करने का कहेगा। तो आपने उसी सॉफ्टवेयर में, उसी जाके फोल्डर में वो फाइल सेलेक्ट करनी है। फाइल सेलेक्ट करने के बाद ओपन, यहाँ पे ये आपकी फ़ाइल आ गई। अब सिंपल आपने जो है अपना स्टार्ट का जो बटन है इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि ये आपकी वो है ऑल डाटा इन द यूएसबी ड्राइव विल बी ओवररिटन टू यू वांट टू कंटिन्यू, यानी कि ये डिलीट कर देगा जो पहले डाटा मौजूद है, जो भी आपने रखा हुआ होगा उसको फॉर्मेट करके उसके ऊपर ये बूटेबल जो ड्राइव है आपकी, बूटेबल यूएसबी ड्राइव ये बना देगा, ठीक है। आपने सिंपल इसको ओके कर देना है, विद इन 3 to 4 मिनट्स ये आपकी जो विंडो है बूटेबल हो जाएगी और आप उसको फिर निकाल के जिस कंप्यूटर में आपने विंडो करनी है उसमें लगा के आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं और विंडो कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसीजर है, ठीक है, बूटेबल ड्राइव बनाने के लिए, बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए, तो इसको यूज़ करें और इजीली अपना विंडो बूटेबल बना के कहीं भी किसी भी कंप्यूटर पर आप विंडो करें, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी ये वीडियो। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।